मामूली सी लापरवाही कैसे किसी की जान ले सकती है, इसका एक उदाहरण जींद में देखने को मिला है, जहां खेल खेल में 11 महीने की बच्ची की मौत हो गई। पूरा मामला जींद की एम्प्लॉयज कॉलोनी का है, जहां दिन के समय बच्ची बाथ टब में खेल रही थी। इस दौरान उनका 3 साल का भाई चिराग भी साथ में मौजूद था। चिराग ने खेल खेल में पानी की टोंटी खोल दी, जिसके चलते बाथ टब का जलस्तर बढ़ गया और डूबने की वजह से मासूम की मौत हो गई। इसमें कल हॉस्पिटल चौकी से सूचना मिली थी प्रो डेड होने बारे। ये लड़की है अर्चना डॉक्टर ऑफ विक्रम एम्प्लॉय कॉलोनी से है। ये तो इसके फादर विक्रम का बयान लिखा था वहाँ पे। बयान लिखने के बाद जो है ना लड़की का पोस्टमार्टम करवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनको वारिसों को दे दी थी। तो इसकी मौत का कारण ये पाया था कि लड़की टब में नहा रही थी, जैसे उसके पास उसका बड़ा भाई है तीन वर्ष का चिराग, तो वो खेल रहा था। उसने खेलते खेलते टूटी खोल दी, टूटी खोलने से टब में जल स्तर बढ़ गया था, जिस कारण ये बच्ची की मौत हो गई थी। सर गर्मी में कौन कौन सदस्य है, मतलब क्या वो किस दौरान? उसकी मम्मी और उसकी दादी भी घर पे ही थी, लेकिन वो अपने किसी और अन्य काम में व्यस्त थी इस टाइम पे। तो सर इसमें फिर कैसे मामला दर्ज किया, क्या लिखा? इसमें जो है ना, इसमें DDR दर्ज करके जो है ना पोस्टमार्टम करवा दिया है। इसमें मैसेज ये है कि जो अभिभावक हैं उनकी लापरवाही तो कहीं ना कहीं है, इसमें ध्यान दिया जाए। बच्चों को अकेले कहीं पे सड़क पे, घर में या किसी भी अनुचित जगह पे नहीं छोड़ा जाए, उनको अपनी निगरानी में सुरक्षित रखा जाए। सर लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है 11 महीने। जिस वक्त घर में यह हादसा हुआ, उस दौरान दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे और बाकी घर वाले अपने काम में लगे थे। सभी काम में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला कि यह हादसा कब हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।